जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई होप के स्क्रीन इज़ क्वाइट विजिबल एंड आई एम ऑडिबल। इफ़ आई एम ऑडिबल तो जल्दी से, और स्क्रीन आपको विजिबल है तो जल्दी से कोई एक आप में से मैसेज कर दें कि यस सर आप ऑडिबल भी हैं और ये पीपीटी भी आपको नज़र आ रही है। चलें जी आज की क्लास शुरू करते हैं। अल्लाह के बाप बरकत नाम से। सबसे पहले तो आप सबको पता होगा कि आज तुर्की में और शाम में और इराक में बड़ा ही खतरनाक जलजला आया है, तो अल्लाह हम सब पे रहम करें, आमीन। तो आज जो हम कॉन्टिनेंट डिस्कस करेंगे वो है नॉर्थ अमेरिका। इससे पहले हम एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, योर ये सारा डिस्कस कर चुके हैं, एंड टुडे वी गोना डिस्कस नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज़ ए इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट इन द सेंस कि दुनिया की जो सबसे बड़ी सुपर पावर है वो भी इस कॉन्टिनेंट के अंदर फॉल करती है। तो इस कॉन्टिनेंट के ब्रीफ चीज़ें एज पर एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे, और दूसरा मेन फोकस हमारा जो होगा वो होगा यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो इस वर्ल्ड मैप के अंदर हम बाउंड्रीज देख लेते हैं कि हमारा जो ये कॉन्टिनेंट है कहाँ पे फॉल करता है। तो जनाब आपका ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा ये भी इसके अंदर है, ये पूरा है आपका नॉर्थ अमेरिका एज द नेम सजेस्ट। अच्छा, इसको नॉर्थ अमेरिका क्यों कहते हैं? कोई कोई आपके जहन में कोई एक साइंस या कोई कंसेप्ट आपको आ रहा है कि यार इसको नॉर्थ अमेरिका क्यों कहा जा रहा है? यार देखो, मैंने आप सबको ये प्राइमरी डिवीजन पढ़ाई थी अर्थ की, कि अगर हम इसको यूं ऐसे हेमिस्फेयर के अंदर डिवाइड करें, यस एंटोनिया इट इज इन द नॉर्थ। अगर हम उसको अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करें, नॉर्थ और साउथ, और दूसरी डिवीजन इस तरीके से हम करें, तो अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा हिस्सा जो है ये सारा दिस इज नॉर्थ और ये सारा साउथ। तो लाजमी बात है कि ये जो है नॉर्थ में फॉल करता है, तो इस वजह से इसको हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। दूसरी वजह यह है कि इन पूरे कंट्रीज को ये, अच्छा ये तो सिर्फ हो गया नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे नीचे ये जो है ना नीचे वाला हिस्सा, ये सॉरी ये जो नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे है, ये कंट्रीज को इनको भी आम हरूफ में अमेरिकाज कहा जाता है, अमेरिकाज। ये आगे आपको मैं बताऊंगा कि अमेरिका एंड अमेरिकाज में क्या फर्क है। तो ये नीचे वाले जो है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई इनको इजी आउट करने के लिए इनको कह दो साउथ अमेरिका, क्योंकि ये नीचे है साउथ में, और वो ऊपर जो है वो है नॉर्थ अमेरिका। इन दिस वीडियो हम क्या पढ़ेंगे? नॉर्थ अमेरिका। तो आई होप कि यू आर नाउ क्लियर के नक्शे पे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कहाँ पे फॉल करते हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पे थोड़ा मैंने मैप को और ब्रीफ किया हुआ है। यहाँ पे आपको दो कॉन्टिनेंट दिखेंगे, ये बीच में जो लाइन यहाँ से जा रही है ये इन दो कॉन्टिनेंट को अलग करती है। तो अब आ जाएं तो ये है नॉर्थ अमेरिका, उसी तरह ये है साउथ अमेरिका, और इन दोनों की जो बाउंड्री लाइन है वो मैंने आपको दिखा दी है, ये रही ये पूरी बाउंड्री लाइन। अब इसके नीचे आपको मिलेगा साउथ अमेरिका और इसके ऊपर आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका। आप देख सकते हैं कि दुनिया के दो बड़े डेवलप कंट्रीज यहाँ पे फॉल करते हैं, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। थोड़ा और अगर हम ब्रीफ कर लेते हैं कि सिर्फ
अगर हम कहें कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के मैप को देखें तो फिर आप इधर आ जाएं, ये होली सोली मैप, ये तरफ इस तरफ वाला जो मैप है ये होली सोली नॉर्थ अमेरिकन मैप है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेरिका को इसको कौन कौन से ओशंस लगते हैं, आप मुझे बताएं मैप को देख के कि इसको ईस्ट पे कौन सा ओशन है एंड वेस्ट पे कौन सा ओशन है, जल्दी जल्दी बताएं। बाय द वे दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, और ये पूरा जो है आपका जहाँ पे ये कर्सर घूम रहा है ये पूरा आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। अब आप मुझे बताएं कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ईस्ट में कौन सा ओशन है और वेस्ट में कौन सा ओशन है, जल्दी जल्दी। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में है। अब आप ये मुझे बता दें कि अटलांटिक ओशन ईस्ट में है या वेस्ट में है। जी सही, आपका जो अटलांटिक ओशन है ये रहा ईस्ट में, आपका जो पैसिफिक ओशन है वो ये रहा वेस्ट में। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के दो बड़े जो समंदर हैं उनके बीच में ये कॉन्टिनेंट फॉल करता है। अच्छा, एक चीज आपने नोट की है कि यूके और यूनाइटेड स्टेट्स में उनकी ज्योग्राफी में एक चीज जो है ना वो सिमिलर है, वो क्या? नहीं, वेस्ट में आर्कटिक नहीं है। देखें अगर ये देखें ना, ये है नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, इस हिसाब से आप देखेंगे ना तो नॉर्थ में आर्कटिक पड़ता है, दिस इज नॉर्थ। ठीक है, अच्छा मैं आपसे ये बात कर रहा था कि अगर आप ये देखें कि ये तो यूनाइटेड स्टेट्स हो गया ना, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स, थोड़ा इसको आप देख लें। अब हिंट में देता हूँ कि इसके दोनों तरफ समंदर हैं और ये इस तरफ भी, वेस्ट ईस्ट दोनों तरफ समंदर हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं, ये है दुनिया, और ये जो मैंने ड्राइंग्स लिखी है ये लिखी रहने दें, और ये रहा यूनाइटेड किंगडम। अब आप मुझे बताएं कि सॉरी, दिस इज यूनाइटेड किंगडम और ये जो स्क्वायर शेप में है ये है यूनाइटेड स्टेट्स, इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी कोई आपको दिख रही है इन दोनों के बीच में? और एक बात मैं बता दूं कि जो यूके है ना इसके ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ समंदर है। अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों में कोई क्या सिमिलरिटी आप दोनों को नजर आ रही है, ये यूके है और ये यूनाइटेड स्टेट्स। कोई गेस कर दो, गलती बता दो, कुछ भी जो जहन में आए वो बता दो, जो भी जहन में आए ना वो बता दो कि यूके और यूनाइटेड स्टेट्स में सिमिलरिटी क्या है। चले मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ उमर। हाँ, पहली सिमिलरिटी इन दोनों में ये है कि इन दोनों को अटलांटिक ओशन लगता है। ठीक, दूसरी सिमिलरिटी में आप लोगों को ये बता दूं कि ये दोनों, देखिए यूके अपनी दुनिया के अंदर पीछे एक सुपर पावर रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना अभी हाजिर वाली दुनिया में, अभी ये जो दुनिया जो हमारी चल रही है जी, इसमें सुपर पावर है। और दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों को ओशंस लगता है अटलांटिक ओशन, यूके को भी और इसको भी, और यूनाइटेड स्टेट्स को एडवांटेज ये है कि इसको दो ओशंस लगते हैं, ईस्ट से अटलांटिक ओशन और वेस्ट से पैसिफिक ओशन, ये दुनिया के दो बड़े ओशंस हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आस्ता आस्ता आप आगते समझेंगे। चले जी, यहाँ तक भी क्लियर है, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारे जो ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसके ईस्ट में अटलांटिक, वेस्ट में पैसिफिक, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन एंड साउथ में आपको यहाँ पे, यहाँ से जैसे ये है ठीक है ना, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो साउथ में आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट मिलेगा।
ये चीजें आपने याद रखनी है कि आपको कम से कम अंदाजा तो हो कि फलां कंटिनेंट के ईस्ट नॉर्थ साउथ में कौन सी चीजें, और मैं जो पेपर लूंगा एग्जाम उसमें ये सारी चीजें होंगी। ये थोड़ा और मैप आ गया इसका, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं। इसमें आपको अटलांटिक ओशन दिख रहा है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन, यहाँ पे आर्कटिक ओशन दिख रहा है, और यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है। ठीक, आज हम गल्फ को भी पढ़ेंगे कि ये गल्फ कैसे कहा जाता है। जी जनाब, तो जल्दी जल्दी आ जाते हैं क्विक फैक्ट्स पे यूनाइटेड स्टेट्स के। यूनाइटेड स्टेट्स के क्विक फैक्ट्स क्या हैं, सॉरी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। जनाब, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दुनिया का तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है साइज के हिसाब से, एंड फोर्थ लार्जेस्ट व्हेन वी कंसिडर पॉपुलेशन। अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये चौथे नंबर पे है, और अगर आप एरिया के हिसाब से देखेंगे तो तीसरे नंबर पे। नॉर्थ कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका के अंदर 23 कंट्रीज हैं, ये याद रखिएगा, दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन। 23 कंट्रीज हैं, थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ साइज, फोर्थ लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। कंट्री जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लाया करता है। ये अभी चीजें हमने दोनों पढ़ी थी, सबसे पहले मैं पढ़ाता ही यही हूँ कि नॉर्थ वेस्ट साउथ क्या है। ठीक है, दूसरा 23 कंट्रीज हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ये इसकी पॉपुलेशन आ गई नीचे, कितनी है, 590 मिलियन पीपल दुनिया। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, याद रखिएगा, जब भी कोई कॉन्टिनेंट पढ़ें तो पहले ये पढ़ें कि पॉपुलेशन में वो कौन से नंबर पे है, एरिया में कौन से नंबर पे है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसके अंदर कंट्रीज कितने हैं। दूसरा, उस कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, इस कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ा कंट्री कैनेडा है, इस कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे छोटा कंट्री जो है ना एस्टी किटीज एंड नेविज है। ये एमसीक्यू से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कैनेडा। सबसे बड़ा आईलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड। अच्छा, कल भी हमने ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास में ऑस्ट्रेलिया के बारे में, के और यहाँ भी ये कन्फ्यूजन आ गई, ग्रीनलैंड। अब इसका सबसे बड़ा आईलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड है। देखें, दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आईलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आईलैंड जो है वो है ग्रीनलैंड, बट आई एम वेरी सॉरी, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि जनाब जो है सबसे छोटा कंट्री जो किटी है नेविस है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है ना आइलैंड वो ग्रीनलैंड है, लेकिन ग्रीनलैंड एज अ कंट्री नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क की है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर। तो इस वजह से ना ही वो ग्रीनलैंड एज ए इंडिविजुअल कंट्री है, ना ही वो एज अ कॉन्टिनेंट है। सिर्फ अगर आइलैंड की बात आए तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं दिस इज आल्सो वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड दैट इज नॉट अ कॉन्टिनेंट। ग्रीनलैंड इज लोकेटेड इन नॉर्थ एटलांटिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो एन आइलैंड बट कंसिडर अ कॉन्टिनेंट। देखें, ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एज अ कॉन्टिनेंट है, ये कल भी हमने ये चीज डिस्कस करी लास्ट लेक्चर के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया हालांकि जो है सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन वो एज अ कॉन्टिनेंट है, तो वो कॉन्टिनेंट की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीनलैंड देखिए कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड यही है, लेकिन ना तो वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ना तो वो आइलैंड है, तो ना वो कंट्री की लिस्ट में आएगा, ना ग्रीनलैंड कॉन्टिनेंट की लिस्ट में आएगा, जस्ट आइलैंड की लिस्ट में आएगा। क्वेश्चन आ जाए दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, जनाब ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड किस ओशन में है, वो अटलांटिक ओशन में है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है किस कॉन्टिनेंट में है, वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। सही, और ये आ जाए कि कौन दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो ये है। तो आई होप कि थिंग्स आर क्लियर नाउ। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक सबसे बड़ी रिवर है, उस रिवर का नाम है मिसिसिपी रिवर, मिजूरी रिवर या मिसिसिपी रिवर, दोनों दोनों नाम है इसके, और ये दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट रिवर है। सबसे बड़ी बड़ी जो रिवर अमेजोन है, उसके बाद नाइल है, वो अमेजोन हम आगे पढ़ेंगे, नाइल हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पढ़ा है, और यहाँ पे अगर नॉर्थ कॉन्टिनेंट अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ी रिवर जो है वो मिजूरी रिवर है, और वो दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। अच्छा जी, नॉर्थ अमेरिका जो है, अब आ जाते हैं हाईएस्ट
जाहिर है कॉन्टिनेंट की हम यही चीजें ही पढ़ते हैं कि रिवर कौन सी है, हाईएस्ट पॉइंट क्या है। तो देखिए हाईएस्ट पॉइंट यहाँ का है माउंट मिकिले, लेकिन अभी उसका नाम चेंज हो गया है ना, ठीक है ना, अभी उसका नाम हो गया डिनाली। ये हाईएस्ट माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका का। वो दो नॉर्थ अमेरिका के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जिसको लेक सुपीरियर कहा जाता है, ठीक, द ग्रेट लेक। दिस इज द लार्जेस्ट ग्रेट लेक इन यूएसए। दिस लेक इज एज बिग एज साउथ कैरोलिना, यूएस का स्टेट है, और ऑस्ट्रेलिया पूरा, ऑस्ट्रिया जो मुल्क है ना पूरा, उस मुल्क जितनी ये खाली झील है। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील वो है लेक सुपीरियर, और वो कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। इसी तरह लोवेस्ट पॉइंट जिसे कहते हैं डेथ वैली भी कहते हैं, डेथ वैली बेसिकली नॉर्थ अमेरिका का स्टेट है कैलिफोर्निया, वहां पे है डेथ वैली। डेथ वैली कहाँ पे है? अच्छा, दूसरा ये कि इसको डेथ वैली क्यों कहा जाता है। देखिए इसको डेथ वैली इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इतना वो है, सख्त है और गर्म है, तो वहाँ पे लोग बहुत कम हैं और लिविंग हैबिटाट भी बहुत कम है, इस वजह से इसको डेथ वैली कहा जाता है, और लोवेस्ट पॉइंट भी यही है। नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है कि जो लैंड लॉक नहीं है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जितने भी कंट्री हैं आपके, वो सारे आज़ाद कंट्री हैं, सारों को कोई ना कोई समंदर लगता है, इस वजह से देयर इज नो लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री का कंसेप्ट मैंने पीछे आपको समझाया था कि जिसको जिसके जिसको जिसकी सरहद पे चारों साइड कोई भी समुंदर ना लगे। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है वो है कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स का। ये एज इट इज एमसीक्यूज के अंदर आता है। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, लैंड बॉर्डर है। सही है जनाब, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर। इसी तरीके से वो अब नीचे वही चीज रिपीट की हुई है कि भाई ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, वेस्ट में पैसिफिक और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन। आई होप कि अभी तक ये चीजें सारी क्लियर है। ये जनाब कंट्रीज के नाम आ गए, 23, यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको, कनाडा। अब इसमें आप देखें कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो हम सुनते रहते हैं न्यूज में बहुत सारे वजूहत की वजह से, तो बाकी हमने नहीं, क्यूबा भी आप सुनते होंगे, बाकी डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती, ग्वाटेमाला, एल सेवाडोर, कोस्टा रिका, जमैका एंड इसी तरीके से ट्रिनिडाड टोबागो, बहामास, ये सारे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, सॉरी ये सारे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। अगेन सारे याद करने की जरूरत नहीं है, जो हमें एग्जाम से रिलेटेड अगर हम देखेंगे वही याद करने, ये तीन चार ऊपर वाले कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, और उनमें से भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि उससे रिलेटेड दुनिया की सुपर पावर है और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आना इज वेरी मच प्रॉबेबल। ये आ गया जनाब आपका यूनाइटेड स्टेट्स। एज द नेम सजेस्ट, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स, क्या जनाब, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब एक स्टेट्स का मजमुआ, टोटल 50 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, ऑफिशियल नाम इसका यूनाइटेड स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट्स के भी आपको ईस्ट में अटलांटिक ओशन, वेस्ट में पैसिफिक ओशन, ऊपर आपको कनाडा मिलेगा, नीचे आपको मेक्सिको मिलेगा। ये गल्फ ऑफ मेक्सिको थोड़ा आगे पढ़ते हैं हम, मेक्सिको एक अलग याद रखिएगा, मेक्सिको सिटी अलग है और मेक्सिको कंट्री अलग है। मेक्सिको एक स्टेट है यूएसए में, और मेक्सिको एज अ कंट्री अलग है, ये आप याद रखिएगा। तो ये आपका मेक्सिको एज अ कंट्री है ये यहाँ पे, और मेक्सिको एज अ स्टेट जो है ना वो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। तो इन दोनों में फर्क है। मेक्सिको जब सिटी स्टेट की बात आए तो वो तब समझिएगा कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात चल रही है, जब मेक्सिको एज अ कंट्री की बात आए तो आप समझिएगा कि वो मेक्सिको एज अ अलग कंट्री है, उसकी बात हो रही है। आगे चलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना दुनिया की लार्जेस्ट कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इस कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट्स के कितने हैं स्टेट्स, 50 स्टेट्स हैं यहाँ पे। 49 स्टेट्स जो है ना वो मेनलैंड अमेरिका में है, एक स्टेट इसका हवाई है जो इसके मेनलैंड से अलग है। अब ये कंसेप्ट क्या है मेनलैंड का, ये देखें, देखिए ये रहा अमेरिका पूरा,
ये पूरा। तो 49 स्टेट्स तो यहाँ पे हैं, 49 स्टेट्स यहाँ पे हैं, ठीक। एक इसका स्टेट्स ऐसा है, स्टेट जो यहाँ पे नहीं है, दो वो वहां यहाँ पे कहीं पे फॉल करता है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो 58 स्टेट्स जो इसका है, 58 स्टेट, फार अवे, ये इसका जो एक स्टेट है ना, जो वहां से इससे बहुत दूर है। और जो ये जो लाल सितारा बना हुआ ना यहाँ पे है, और ये 50th स्टेट है। अच्छा, दूसरा एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसे कहते हैं अलास्का, वो देखें यहाँ पे रहा, ये रहा अलास्का। अब आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका के बीच में एक और कंट्री है, वो है ये कैनेडा, और उसके बाद उसका एक स्टेट है अलास्का। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना, अलास्का इज आल्सो एन स्टेट ऑफ, सॉरी, अलास्का इज आल्सो स्टेट ऑफ अमेरिका, और इन दोनों के बीच में एक और कंट्री है कनाडा। तो एक एमसीक्यूज आ सकता है कि विच ऑफ द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज फार अवे एंड इन बिटवीन कम्स एन अदर कंट्री, तो वो है अलास्का। दूसरा एमसीक्यूज आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ यूएसए इज आईलैंड स्टेट, वो है हेटी, वो यहाँ पे है। आई होप कि ये दो चीजें, बेसिक चीजें क्लियर हैं जी। 50 स्टेट से पूरे। कैपिटल इसका है वाशिंगटन डीसी। क्या है कैपिटल? वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और ये हमेशा आता है एमसीक्यूज के अंदर। फ्लैग में आप अगर देखेंगे तो आपको 13 स्ट्रिप्स मिलेंगी, लाइन मिलेंगी, और 50 व्हाइट स्टार मिलेंगे। 50 व्हाइट स्टार मीन्स 50 व्हाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 13 जो स्ट्रिप्स आप मिलेंगे, लाइनें मिलेंगी, वो सब जब पहले पहले अमेरिका बना था तो तब सिर्फ 13 स्टेट्स थी, उसके बाद बाकी इसके अंदर आई है। ये शुरू वाली 13 स्टेट्स, और ये 50 स्टार मीन्स 50 स्टेट्स। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स अपना लैंड बॉर्डर जो शेयर करता है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका का है, ठीक है, और ये कितना है, 8,891 किलोमीटर। दूसरा इसका बॉर्डर है वो है मेक्सिको के साथ। तो यूएसए का लैंड बॉर्डर सिर्फ दो कंट्रीज के साथ मिलता है, मेक्सिको एंड कैनेडा। अच्छा, ये रिवर आ गई जनाब, मिसिसिपी रिवर या मिसूरी रिवर, दोनों बात एक ही है। ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, सॉरी ये सेकेंड लार्जेस्ट नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। इसको कट कीजिएगा इधर से, आप भी अपने नोट कर लें, दिस इज थर्ड लार्जेस्ट रिवर, सही है, ये सेकेंड लार्जेस्ट नहीं है। और जनाब जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, 3,776, सॉरी। अच्छा, ये निकलती कहाँ से है, वो लेट इटिकाका, यहाँ पे, यहाँ पे एक लेक है यहाँ पे, वहां से इस दरिया का शुरू होता है, दरिया मयूरी, ये ठीक है। और ये आप देखें इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि ये पूरे अमेरिका को नॉर्थ टू साउथ कवर करता है, इतने स्टेट से गुजरता होगा, तो देखें कितना बड़ा है। और ये डिस्चार्ज कहाँ पे जाके होता है, ये डिस्चार्ज होता है यहाँ पे आके गल्फ ऑफ मेक्सिको। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई रिवर पढ़ें तो दो चीजें याद रखें, कि ये शुरू कहाँ से होता है और ये खत्म कहाँ पे होता है। दरिया, दरिया यहाँ से खत्म शुरू होता है लेक इट्सकासा से, और खत्म होता है गल्फ ऑफ मेक्सिको पे। और ये दुनिया की तीसरी बड़ी रिवर है मिसिसिपी रिवर, और ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। इसी तरीके से एक और है, वो है पनामा कैनाल। जिस तरीके से हमने स्विस कैनाल पढ़ा था, इस तरीके से यहाँ पे पनामा कैनाल है। अब कैनाल का मतलब क्या है, कैनाल हमारे यहाँ भी बहुत कैनाल है, कि ये पानी की एक रास्ता बनाया होता है। क्या है कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में एक छोटा सा पानी का रास्ता है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ आगे एक पानी का रास्ता है, जो हम इन्होंने आर्टिफिशियल बनाया हुआ था, बम्बार्डमेंट करके जमीन के टुकड़े को तबाह करके, और पानी का रास्ता बनाया ताकि पैसिफिक ओशन को नॉर्थ ओशन से कनेक्ट किया जाए, और यहाँ से इनके छोटे छोटे जो जहाज हैं जो ट्रेड करता हुआ इस तरफ से आए। वरना देखो, अगर ये चीज नहीं होती तो फिर इनको बहुत घूम के सफर करके फिर जाना पड़ता है यहाँ पे। तो उसका इजी हल इन्होंने ये निकाला कि इन्होंने केनाल बना दिया, ये पनामा एक कंट्री है वहां पे, ताकि ये शिप्स यहाँ से यहाँ तक जा सके। तो पनामा केनाल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं देखें, पनामा केनाल से क्वेश्चन ये रहा, पनामा केनाल जो साउथ अमेरिका और दोनों अमेरिका के दोनों के बीच में है, क्वेश्चन आएगा कि पनामा कैनाल जो है ना किन दो कॉन्टिनेंट के बीच में है, तो वो साउथ अमेरिका
और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, ये किन दो ओशंस को मिलाता है? ये एटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलाता है। पेनामा कैनाल इज आर्टिफिशियल कैनाल है, आर्टिफिशियल है ठीक है, और इसको बनाया था 1914 में, और कनेक्ट्स एटलांटिक ओशन विथ पैसिफिक ओशन, बस ये इतना ही आएगा। और पेनामा कैनाल किस मुल्क के अंदर है? पनामा मुल्क के अंदर है। और ये किन को जोड़ता है? एटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में है, बस ये इससे रिलेटेड यही एमसीक्यू आएंगे। दूसरा जी, गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये हमने पहले पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कि जो मिसिसिपी रिवर है वो कहाँ पे आके बेटा फॉल करती है? गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको उस मुल्क और अमेरिका मुल्क के बिल्कुल बीच में है। यहाँ गल्फ कहा जाता है कि कोई भी ऐसी पानी पानी का वाटर बॉडी कि जिसके तीनों तरफ जमीन हो लेकिन बैंड हुई हुई हो जमीन, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? गल्फ कहते हैं। तो ये गल्फ ऑफ मेक्सिको ये बहुत मशहूर गल्फ है, क्योंकि ये बड़ा बिजी गल्फ है, उसके रिलेटेड अपना ट्रेड से रिलेटेड। तो इस गल्फ ऑफ मेक्सिको से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएंगे? वो यही आएंगे, इस गल्फ ऑफ मेक्सिको, इसको मेक्सिको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेक्सिको मुल्क को सबसे ज्यादा लगता है, लैंड बाउंड्री इसकी सबसे ज्यादा मेक्सिको मुल्क को कंट्री। दूसरा ये आएगा कि गल्फ ऑफ मेक्सिको जो है ना, उसके साइड में कौन कौन से कंट्रीज हैं? देखें, गल्फ ऑफ मेक्सिको के साइड में आपको ऊपर से अमेरिका मिलेगा, यहाँ साइड से मेक्सिको, और ये छोटा सा क्यूबा एक अलग कंट्री है ठीक है। तो ये तीन कंट्री जो है ना, इसके साइड में से इसको मिलेंगे। तो ये हमें गल्फ ऑफ मेक्सिको पढ़ा, गल्फ से रिलेटेड ये था, ये आप याद रखिएगा कि कंट्रीज कौन कौन से हैं इनके साइड में। गल्फ ऑफ मेक्सिको, अगर ये दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है बाय द वे, याद रखिएगा। दूसरा, कौन से कंट्रीज, तीन कंट्रीज इसको लगते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको एंड क्यूबा। सही, पनामा कैनाल आप समझ गए, जो मैंने आपको बताया, ये छोटी की पानी की पतली गली है छोटी सी, जो दो बड़े समुद्रों को मिलाती है, एटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। एटलांटिक ओशन ये रहा, पैसिफिक ओशन ये रहा, ठीक है जनाब। और दो कॉन्टिनेंट को अलग करती है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। बनी कब थी? 1914 में। अच्छा, दिस वाज टुडेज फर्स्ट सेशन। सेकंड सेशन में स्टार्ट करूंगा, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। अमेरिका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड कोई आप लोगों का क्वेश्चन है, वो आप लोग सब लोग जो है ना, सॉरी, अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आप लोगों का माइक जो है ना वो ऑन कर रहा हूँ।